कि हम लोग के जो मतलब हम लोग संथाल है, ये संथाल के ऊपर में क्या हो रहा है कि बहुत कोई अपना समाज को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, मतलब बाहर जाने का मतलब दूसरा रास्ता पकड़ रहे हैं, जैसे कोई संस्कृति को छोड़ के भी बाहर चले जा रहे हैं, जैसे कोई हिंदू अपना रहा है, कोई ईसाई अपना रहा है, कोई मुस्लिम अपना रहा है, तो अभी दिखा जा रहा है। इसलिए मैंने ये गाना को बहुत अपने सोच समझ के लिखा था और ये यूट्यूब में भी मैंने छोड़ा, तो इसलिए ये गाना आपको बहुत फेवरेट है कि लोगों तक मेरा बात को पहुँचाना, कि हम लोग सब आदिवासी जितना भी हैं साथ में रहें और कोई भी अपना संस्कृति परंपरा को छोड़ के ना जाए। तो इसमें दो बात है मनोज, एक तो जैसे आप बोले ना धर्म और दूसरा संस्कृति, दोनों अलग है ना, क्योंकि अगर संविधान देखेंगे हमारा जो संविधान है, जो हमारा जहाँ कहाँ के नागरिक है, भारत के नागरिक है ना, तो संविधान में बराबरी है ना, चाहे वो सब चीज़ का बराबरी है, जेंडर का बराबरी, लड़का लड़की की बराबरी है, रंग की बराबरी है, धर्म की बराबरी है, हम जिसको हम चाहे हमको उतनी आज़ादी है, हम कोई धर्म अपना सकते हैं, वो सब है ना, लेकिन सांस्कृतिक जो है वो हमारा मूल है ना, हम ये मतलब आपका वो आपको क्लैरिटी मतलब आपको क्लियर होना होगा कि आप उसमें धर्म का मैसेज दे रहे हैं कि आप सांस्कृतिक का मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि आपका ना वो YouTube में लोग इसको देखेंगे, ठीक है, तो उसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि आप मैसेज क्या छोड़ रहे हैं, है ना, धर्म वाला अगर मैसेज छोड़ रहे हैं तो शायद लोगों को मन में लगेगा कि ये अपने धर्म की ही सिर्फ बात कर रहा है, अपने कल्चर की बात कर रहा है या अपने सांस्कृतिक अपने परंपरा की बात कर रहा है, तो वो लोगों को दिल को बहुत छूता है कि हम अपने जगह को कैसे बचा करके रखें, बस हम आपको वो बताए हैं वो आप समझ सकते हैं, है ना, समझ रहे मेरी बात, समझ रहे हैं ना, लेकिन बहुत अच्छा मतलब ये है क्या कहते हैं जो उसमें आप ये गाने हो ना, अपना ताल वगैरह वो सब बड़ा अच्छा है ना?